सब्सक्राइब करें अक्सर ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 3, गोपाल एंड द ये क्लास 7th का आपका चैप्टर है। ये कॉमिक बुक में से लिया गया है, स्टोरी है ली गई है, तो अब मैं इसको कॉमिक की तरह ही पढ़ूंगी। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक और नथिंग। सीजन है एरोप्लेन मोड में कर दो। ये जो सीज़न है ये हिल्सा फिश का सीज़न है, तो मछुआरे चाहें या ना चाहें हिल्सा फिश के अलावा और किसी चीज़ की बात नहीं होती। ओके, अब सेकंड वो आ रहा है उसमें है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। अब जैसे लोगों को बुला रहे हैं भाई आ जाओ हिल्सा फिश का रेट आज बहुत ज़्यादा कम हुआ पड़ा है, आप आओ और इसको खरीद के ले जाओ। हाउ मच डिड यू पे फॉर डैट हिल्सा, आप कितना पे करोगे। वो कहता है यू वुडंट बिलीव इफ यू आई टोल्ड यू, आप विश्वास नहीं। पैलेस टू द कॉर्टियर कि जो राजा का राजमहल है वहाँ पे भी लोग कोई और बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। वो कहता है हे महाराज आपने देखा जो हिल्सा फिश मैंने पकड़ी है। स्टॉप इट, वो कहता है चुप हो जाओ, तुम आर यू ए कॉटियर और ए फिशरमैन, क्या तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो। द कॉटियर फेल साइलेंट एंड डाउन कार्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। फिर वो उसे कहता है अच्छा, जब वो देखता है भाई दरबारी आंखें अपनी नीची कर लेता है तो वो उसकी तरफ देख के थोड़ा उसको दुख महसूस होता है भी मैंने इसको क्यों डांटा। फिर वो कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ अ सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो वो कहता है मुझे बहुत सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, ये हिल्सा फिश का सीज़न है तो और किसी चीज़ के बारे में तो बात ही नहीं होती। नॉट इवन गोपाल कैन एनी मोर फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। वो गोपाल उसको कहता है कि क्या तुम 5 मिनट के लिए भी किसी और को मतलब रोक सकते हो लोगों को हिल्सा फिश के वो करने के लिए। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो राजा इससे कहता है देन लेट मी सी यू बाय अ यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो वो उसे कहता है कि हाँ तू एक हिल्सा फिश दरबार में लेके आ, लेकिन इस तरीके से लेके आना कि उसको देख के भी उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही ना जाए और कोई भी उसके बारे में बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, वो कहता है राजा मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। ओके, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। अब वो उससे कहता है कि आपका जो मुंह है वो आधा शेव क्यों किया है आपने। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, वो कहता है मैं मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैं तैयार हुआ हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू शिमरिंग योरसेल्फ विथ ऐश, तुम अपने आप, वो कहती है क्या बात है तुम्हें हुआ क्या है, तुम अपने आप को राख के साथ क्यों वो कर रहे हो मल रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुझसे कहा ना कि मैं एक हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कॉन्ट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, आई वॉट आर यू अप टू, वॉट आर यू अप टू। वो कहती नहीं सुनो मैं तुम्हें ऐसे गंदे और मैले कुचैले होके मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें हिल्सा खरीदने के लिए। हाउ मैनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ औरत कि मैं बाहर खरीदने के लिए जा रहा हूँ हिल्सा फिश। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, मुझे लगता है ये पागल हो गया है, उसकी बीवी कहती है। फिर क्या होता है, मदर लुक एट द मैन इजंट ही कॉमिकल। अब सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, मुंह में राख मली होती है, आधा मुंह शेव किया होता है आधा नहीं किया होता है। तो एक बच्चा अपनी माँ को कहता है मम्मी इनको देखना है, इनको देख के हंसी नहीं आ रही है आपको। ही मस्ट बी ए मैड मैन, हश आई थिंक ही इज़ ए मैजेस्टिक। वो कहता है, एक कहता है ये कोई है ना पागल इंसान लगता है, कोई कहता है मुझे तो बेवकूफ़ लग रहा है। वॉट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब वो दरबार की तरफ जाता है, उसे कहता है क्या चाहिए आपको, वो कहता है मेरे को राजा से मिलना है।
वाई यू कांट सी द किंग आई गेट अवे विथ यू. वो कहता है नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, राजा से नहीं मिल सकते. फिर वो क्या करता है, जो गोपाल होता है वो जोर जोर से नाचने लग जाता है और गाने लग जाता है. द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. अब इंसाइड द पैलेस, अब वो बाहर से आवाज़ आ रही है भाई ये तो आदमी पागल है, इसको बाहर फेंक दो. वो राजा, इसने ऐसा नहीं हो सकता, अभी हम इसको राजा से नहीं मिलने देंगे. ब्रिंग डैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी. वो कहता है अभी इस इंसान को मेरे पास लेके आओ. राजा ये आवाज़ें सुनता है जब अपने कानों में, तो वो अपने दरबारी को कहता है कि जाओ उसे अभी लेके आओ. गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल. राजा उसको देखते, ये मंत्री उसको देख के पहचान लेता है भाई ये गोपाल है. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, सारे दरबारी बात करते हैं इसने अपना दिमाग खो दिया है, दिमागी संतुलन इसका ख़राब हो चुका है. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक. ये वो कहता है मुझे लगता है ये कोई मजाक ही है उसके जोक्स की तरह. ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलर फैशन, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. अब उसे कहता है, राजा उससे पूछता है गोपाल तूने इस तरीके से क्यों अपने आप को इतना बेहुदा और बकवास सा तैयार किया हुआ है. तो वो कहता है राजा आप एक बात भूल रहे हैं, फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहा हूँ. स्ट्रेंजली वेट अ मिनट, strangely enough no one seems to be interested in Hilsafish today. I am from the market to the palace and in the court not a soul has spoken a word about Hilsafish. आपने ये देखा, ये बहुत ही हैरानजनक बात है कि जब से मैं मार्केट से लेके यहाँ तक आया हूँ किसी ने भी Hilsafish के बारे में कोई बात नहीं की जो मैं लेके आया हूँ. सब मेरे ड्रेसअप सेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं. हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. हाँ वो राजा हंसने लग जाता है, कहता है हाँ गोपाल तुमने तो मतलब फिर से जीत लिया चैलेंज, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया. सब Hilsafish के बारे में बात कर रहे थे लेकिन जैसे ही तुमने अपना ड्रेसअप सेंस ऐसे किया और Hilsa लेके आए तो सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे. तो ये कॉमिक है जिसमें राजा एक अपने दरबारी को चैलेंज करता है और वो दरबारी उस चैलेंज में पूरा पड़ता है. तो ये आपका चैप्टर है जिसको मैं कल आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी. थैंक्स.